मौन ऋषि की कथा। बहुत समय पहले उज्जैन राज्य में विक्रमादित्य नामक एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा राज करते थे। वे अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें पूजती थी और शत्रु उनसे भयभीत रहते थे। विक्रम कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते, चाहे वह युद्ध में हो या सबसे कठिन पहेलियों को सुलझाने में। एक दिन एक साधु उनके दरबार में एक अजीब सा निवेदन लेकर आए। यह साधु साधारण वस्त्रों में लिपटा हुआ रहस्यमय व्यक्तित्व के साथ विक्रम के सामने खड़ा था। उसका नाम शांतिनाथ था। उसने राजा से एक विशेष अनुरोध किया। महाराज, मैं कई वर्षों से साधना कर रहा हूँ और उसे पूर्ण करने के लिए मुझे एक आत्मा की आवश्यकता है। यह आत्मा बेताल के रूप में एक पुरानी लाश में लटकी हुई है, जो श्मशान में बरगद के पेड़ पर रहती है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे मेरे पास लाएं। साधु ने राजा विक्रम को चेतावनी दी, परंतु ध्यान रहे, बेताल कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसके पास भागने की शक्ति है और यदि आप उससे कुछ बोलेंगे तो वह स्वतः मुक्त हो जाएगा। आपको उसे पकड़कर बिना एक शब्द बोले यहाँ तक लाना होगा। राजा विक्रम ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं बेताल को अवश्य आपके पास ले आऊँगा, चाहे वह मुझे कितना ही परखे। ये कहते हुए राजा विक्रम दृढ़ निश्चय के साथ श्मशान की ओर चल पड़े, जहाँ अंधेरे में पेड़ों की परछाइयाँ लहराती थीं और एक ठंडी हवा उन पर फुसफुसा रही थी। श्मशान में पहुँचने पर उन्होंने देखा कि एक बरगद के पेड़ से एक लाश उल्टी लटकी हुई थी, जिसमें बेताल की आत्मा बसी थी। विक्रम धीरे धीरे पेड़ पर चढ़े, लाश को उतारा और कंधे पर डाल लिया। परंतु जैसे ही वे वापसी के लिए कदम बढ़ाने लगे, बेताल ने लाश से बोलना शुरू किया। अरे वीर राजा विक्रम, बेताल की आवाज़ ने सन्नाटे को चीर दिया, तुमने ये मार्ग चुना है तो मैं इसे और भी दिलचस्प बना देता हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उसके अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर जानते हुए चुप रहे तो तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन यदि तुम उत्तर दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और वापस इसी पेड़ पर लौट आऊंगा और तुम्हें मुझे फिर से पकड़ना होगा। विक्रम ने बिना विचलित हुए सहमति दे दी और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। मौन ऋषि की कथा। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले वत्सपुर नामक राज्य में अर्जुन वर्मन नामक एक नेक और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रिय थे और पड़ोसी राज्यों में आदर से देखे जाते थे। अर्जुन वर्मन न्यायप्रिय थे और किसी भी समस्या में हमेशा सही समाधान खोजते थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजीब सा आगंतुक आया, एक मौन ऋषि, जो ना बोलते थे ना लिखते थे, बस इशारों के माध्यम से अपनी बात समझाते थे। इस ऋषि का नाम महाशांति था। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर शांति थी। उन्होंने राजा के मंत्रियों से इशारों के माध्यम से राज्य में रहने की अनुमति मांगी। मंत्रियों को ऋषि की मंशा समझ नहीं आई, परंतु राजा अर्जुन वर्मन को उनमें कुछ विशेष लगा और उन्होंने ऋषि को रहने की अनुमति दे दी। समय के साथ महाशांति की ख्याति बढ़ने लगी। ग्रामीण उनके आशीर्वाद और सलाह लेने आने लगे। बिना बोले भी उनके संकेत सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होते थे। लोग मानने लगे कि वे देवताओं के वरदान से युक्त हैं, जो उनकी सहायता के लिए भेजे गए हैं। हालांकि सभी लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे। राजा के मंत्रियों में से एक मंत्रगुप्त महाशांति पर गहरी शंका करता था। मंत्रगुप्त चतुर और चालाक व्यक्ति था और उसे लगता था कि महाशांति का मौन एक छलावा है और वे कुछ छिपा रहे हैं। एक दिन एक महत्वपूर्ण त्यौहार के दौरान राजकीय खजाने से एक मूल्यवान रत्न गायब हो गया। राजा के सैनिकों ने हर जगह खोज की, परंतु उसका कोई पता नहीं चला। मंत्रगुप्त ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए महाशांति पर चोरी का आरोप लगाया और यह सुझाव दिया कि उनका मौन उनके अपराध को छिपाने के लिए है। उसने राजा को महाशांति को कैद करने के लिए मना लिया। आरोपों के बावजूद महाशांति मौन रहे, अपने निर्दोष होने का संकेत तो दिया, परंतु स्वयं का बचाव नहीं कर पाए। प्रजा ये देखकर स्तब्ध थी, परंतु किसी ने राजा के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया। परंतु राजा अर्जुन वर्मन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका दिल कहता था कि ऋषि निर्दोष है, परंतु वे अपने सलाहकार की शंका को प्रमाण के बिना अनदेखा नहीं कर सकते थे। दिन बीते गए और महाशांति अपनी कैद में शांत बने रहे। फिर एक रात असली चोर रघुनंदन नामक एक लालची व्यापारी को रत्न के साथ राज्य से भागने का प्रयास करते हुए पकड़ लिया गया। पूछताछ में रघुनंदन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने महाशांति को फंसाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था।
राजा ने इस विश्वासघात पर क्रोधित होते हुए रघुनंदन को दंडित करने का आदेश दिया। महाशांति को कैद में रखने पर राजा को गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने तुरंत उन्हें मुक्त कर दिया और उनसे क्षमा मांगी। लेकिन महाशांति अभी भी मौन, बस मुस्कुराए, मानो उन्होंने पूरे घटनाक्रम की पहले से ही कल्पना कर ली थी। कुछ दिनों बाद सबके आश्चर्य के लिए महाशांति ने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। लोग उन्हें रोकने का आग्रह करते रहे और राजा अर्जुन वर्मन ने भी उनसे निवेदन किया कि वे रुक जाएं। परंतु ऋषि ने बस मुस्कुराकर यह संकेत दिया कि उनका वत्सपुर में समय समाप्त हो चुका है। जाने से पहले उन्होंने राजा को एक छोटा सा सील किया हुआ स्क्रॉल दिया। जिज्ञासु होकर राजा ने स्क्रॉल खोला और उसमें एक संदेश पाया जिसमें लिखा था, सच्चा न्याय बिना शब्दों का होता है, क्योंकि सत्य अपने आप प्रकट होता है। मौन भी उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि वाणी। राजा इन शब्दों पर विचार करते हुए ये समझ गए कि ऋषि का मौन कितना गहरा था। वर्षों बाद महाशांति की शिक्षाएं और उनका मौन वत्सपुर में एक किंवदंती बन गए, लोगों को धैर्य, बुद्धिमत्ता और सत्य की मौन खोज का महत्व सिखाते हुए। प्रश्न। कहानी समाप्त करने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से एक प्रश्न पूछा, तो बताइए हे बुद्धिमान राजा विक्रम, उस ऋषि के दुख का असली जिम्मेदार कौन था? क्या वह मंत्रगुप्त था जिसने शंका की और संदेह का बीज बोया? क्या वह राजा अर्जुन वर्मन थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद एक निर्दोष व्यक्ति को कैद कर दिया? या फिर वह रघुनंदन था, असली चोर, जिसने शी के मौन का लाभ उठाया? राजा विक्रम ने कुछ क्षण विचार किया और फिर उत्तर दिया, बेताल, इन सभी में कुछ हद तक दोष है, परंतु भिन्न भिन्न तरीकों से। मंत्रगुप्त ने संदेह किया, पर संदेह मात्र से दुख नहीं आता। राजा अर्जुन वर्मन हालांकि न्यायप्रिय थे, परंतु संदेह ने उनके निर्णय को धुंधला कर दिया और इसी कारण ऋषि को कैद में डाल दिया गया। लेकिन असली पीड़ा का स्रोत रघुनंदन था। उसकी लालच, उसकी झूठी गवाही और उसकी कायरता ही असली अन्याय थी। अतः सबसे बड़ा दोष रघुनंदन का है। बेताल ने विक्रम का उत्तर सुनकर एक ठहाका लगाया। तुमने सही कहा राजा विक्रम, तुम सच में समझदार हो, परंतु याद रहे, तुमने उत्तर दिया है और इसलिए मैं अब मुक्त हूँ। यह कहकर बेताल विक्रम के कंधे से फिसलकर पेड़ की ओर उड़ गया, राजा को फिर से श्मशान में लौटने के लिए छोड़ते हुए।